सत श्रीकाल नमस्कार, मैं हाँ दीपक भंडारी ते तुसी देख रहे हो D4E न्यूज़। अज दीआं वड्डीआं खबरां लै के तुहाडे सामने हाजर हाँ। टीचर्स यूनियन वालों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहायश के अगे अज जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री की रिहायश वाल रोज मार्च कर रहे टीचरां नूं रोकण लई पुलिस ते अध्यापकां दे विचाले अज हत्थापाई भी हुई। इस झड़प दे विच अध्यापक बलवीर सिंह, मंगल सिंह ते होर अध्यापक भी जख्मी होए ने। इस तो बाद पुलिस ने हल्की ताकत का भी वरतों किया, अध्यापकों खदेड़न की कोशिश की। पंजाब अध्यापकों का संघर्ष लगातार जारी है। 7 जनवरी नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों 4161 टीचरों नूं नियुक्ति पत्र दिते गए सन, पर नियुक्ति पत्र मिलन तो बाद भी 1.5 महीना हो गया। इस तो बाद इन्हां अध्यापकों हजे तक स्टेशन अलॉट नहीं किए गए, जिसलिए पोर्टल हजे तक नहीं खोलिया गया। इस करके सारे अध्यापकों नियुक्ति पत्र मिलन ते मेडिकल होने के बावजूद भी अध्यापकों स्टेशन अलाट नहीं हुए, जिसके रोष स्वरूप इन्हां अध्यापकों वालों अज प्रदर्शन किया गया। कई पगड़ीधारी अध्यापकों के सिरां तो पगड़ियां भी उतर गई। हंगामे तो बाद अध्यापकों उत्थों हटा दिता गया। देखो, असी 5 जनवरी असी जो अपॉइंटमेंट लैटर सानू मिले और सानू 1 हफ्ता मैडिकल कराने दिता, मैडिकल भी साडा हो गया और उस तो बाद असी 1.5 महीना इस आस दे विच बैठे रहे कि साडा पोर्टल आ जिहड़ा स्टेशन चॉइस दा अज खुलूगा कल खुलूगा, पर जो हुण क्योंकि घर चलाने भी औखे हो पए ने साडे साथियों, क्योंकि आर्थिक हालत तो बहुत कमजोर है, क्योंकि जिहड़े 5-5, 7-7 हज़ार ते नौकरियां करदे सी उह छड्ड गए, तां हुण असी सड़कां ते आ चुके हांगे। साडी आर्थिक हालत कमजोर हो चुकी आ, तां साडी इही मंग आ कि सानू छेती तो छेती स्कूलां दे विच जिहड़ा भेजिया जावे। सर, सानू 5 जनवरी नूं लुधियाणा विखे बुला के ज्वाइनिंग लैटर बंड ते सानू लोलीपॉप देता जी, मिठियां गोलियां देतियां कि तुसीं हुण चुस्सी जाओ जी। सानू रुजगार लैके भी असी बेरोजगार हाँ जी, साडे कई साथी गौरमेंट जॉब भी छड्ड चुके ने, प्राइवेट जॉब भी छड्ड चुके ने, बेरोजगार हो रहे असी सारे जी, मंग ते बने बैठे हाँ, 1.5 महीना हो गया जी, साडी भर्ती पूरी नहीं होण जा रही जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ याचिका दायर की गई सी। इस परोल नूं चुनौती दी गई सी। इस तो बाद हरियाणा सरकार वालों हाईकोर्ट के विच जवाब दिता गया। रोहतक के आयुक्त ने परोल का निर्णय जिहड़ा लिया वह नियमों के अनुसार लिया। जेल अधीक्षक है जिहड़े सुनियारां दे, उन्होंने हल्फनामा दिता है ते कोर्ट नूं दस्सिया कि डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, इस करके उन्हों नियमित पैरोल दी जा रही है। उसका चंगा आचरण है, पैरोल लेना एक कैदी का अधिकार होता है, ताकि वह परिवारक ते समाजिक जिम्मेदारियां निभा सके। कोर्ट नूं दस्सिया गया कि गुरमीत राम रहीम नूं पहला भी कई बारी पैरोल दी गई है ते नियमों के अनुसार ही पैरोल दी जाती है ते उस टाइम नाल वापस भी आ जाता है। सरकार ने अपनी जिहड़ी याचिका दायर करन दे कानूनी अधिकार ते भी सवाल चुकिया। डेरा मुखी वालों जरा जवाब देने लई कुछ समय देने की मांग भी की गई है। हुण राजनीति गलियारे दे विच चर्चा छिड़ गई है कि हार्ड कोर क्रिमिनल की होंदा है। 2-2 साधवियां दे बलात्कार दे इल्जाम जिहदे उपर लगे होण कि वह हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं हुंदा, 2 मामलों दे विच उहनूं उम्र कैद हुई होवे कि वह हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं हुंदा। कौन नहीं जानता कि हरियाणा दे विच हुण विधानसभा चुनाव होने वाले ने, कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे लैण वास्ते कानून नूं किसी तरीके नाल तोड़ मरोड़ सकदियां ने। ये बहुत वड्डे सवाल ने जिहड़े के लोगों के जहन च घूम रहे ने कि अपने फायदे वास्ते कानून नूं तोड़िया मरोड़िया जा रहा है। वैसे तो यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान दीआं कोर्टां दे विच करीब करीब 5 करोड़ मामले पेंडिंग ने। किस तरह लोगों नूं इंसाफ लैण लई धक्के खाने पैंदे ने, इंसाफ घट ते तरीका लोगों नूं वध मिलदियां है, पर दूजे पासे किस तरह अपनी मर्जी के मुताबिक पैरोलां दित्तियां जा रही हैं। पंजाब पुलिस वालों अमृतपाल सिंह अते उसके साथियों की गिरफ्तारी लई लगातार छापामारी की जा रही है। DSP अजनाला संजीव कुमार की अगुवाई वाली टीम लगातार मामले की जांच में जुटिया हुई ने।
उधर गिरफ्तारी उत्ते अमृतपाल सिंह का एक बयान भी आया है। उन्होंने आख्या कि पुलिस उन्होंने साथियों नू नजायज चुक के लैके जा रही है, झूठे परचे हेठा उन्होंने गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने आख्या कि वह पहला भी आख चुके हैं कि वह किसी तरह का टकरा नहीं चाहते, पर पुलिस जान बुझ के टकराव वाले राह ते जा रही है। उन्होंने आख्या भजद्या नू वाहन इको जय होंदे हन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज सवेरे अजनाले की पुलिस ने साडा एक सिंह जिहड़ा गुरदासपुर तो साडा जिला जथेबंदी का सेवादार भी है, उन्होंने घरों चुकया, नाल एक होर सिंह चुकया लवप्रीत सिंह तूफान, तो दूसरा सिंह जिहड़ा नौजवान संधु, उन्होंने दोनों घरों चुकया। एक किसी अजनाले की झूठा जिहड़ा इन्होंने परचा पाया है किसी नौजवान के कहण देते भी उन्होंने अगवा किया गया, उस सिलसिले इन्होंने दोवों घरों गिरफ्तार किया। पुलिस नूं असीं बड़ी बार कह चुके हैं भी असीं किसी तरीके दे टकराव च नहीं आना चाहते, पर जे साडे सिंघां नूं इस तरीके नाल कल्लां कल्लां करके चुकना है तो फिर आपां इक वारी वेख ही लईए इकट्ठे होकर भी की किहड़े भाव विकदे, क्योंकि भजदे नूं वाहन इक्को जिहे हुंदे आ। तो सारी संगत नूं पहलां तो मेरी अपील है भी तुसीं जिहड़ा ये पिंड जल्लूपुर खैड़े जिहड़ा साडा नगर है इत्थे वध तों वध पहुँचो, उस तों बाद की करना है फिर आपां इत्थे बैठ के गुरमता करांगे, क्योंकि जिहड़े साडे सिंघ आ जे पुलिस तुरंत इन्हों रिहा नहीं करती तो फिर वड्डे पद्धर ते एक्शन असी कोई ना कोई लीकांगे पंजाब दे विच। सारी संगत नूं दुबारा अपील है भी वध तों वध नेड़ली संगत भी तो दूरों दरेडियों भी संगत जिहड़ी है जल्लूपुर खैड़े जिहड़ा गुरद्वारा साहिब बाबा काला महर उत्थे पहुंचण दी कृपालता करो। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर विवादां च आ गए ने। वह हिमाचल के दौरे ते सन ते उन्होंने अपनी पग दे उत्ते टोपी रख ली, जिस तों बाद उन्हां ते सवाल उठने शुरू हो गए ने। चरणजीत सिंह चन्नी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नूं मिलन शिमला गए सन, जिथे उन्हां नूं शाल दे के सम्मानित दिता गया। इस दौरान उन्हां नूं पग ते टोपी पहनाई गई। इस घटना की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया से वायरल हो गई सी। इस घटना तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इहदा इतराज चुकिया गया ते कहा गया साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने अपनी पग ते टोपी पाई है जिहड़ी ठीक नहीं है, उन्होंने इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी नूं माफ़ी मंगने लिए भी आख्या। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने आख्या कि दस्तार सिर्फ एक कपड़ा नहीं, अध्यात्म अते धार्मिक महत्ता तो इलावा यह सिखां दी पछाण दा प्रतीक भी है। सिखां दा अपनी दस्तार नाल लगाव गुरु साहिबान दीआं सिक्ख्यावां दा पालना अते सिक्खी स्वैमान दा प्रतिबिंब है। उन्हां आख्या पग ते टोपी नहीं पहनी जा सकती। धामी ने यह भी आख्या जेकर चन्नी नूं दस्तार दी महत्ता नहीं पता तो उन्हां नूं इस दा मजाक नहीं बनाउणा चाहीदा। उन्होंने आख्या कि चन्नी नूं इस लई सिख संगत को माफ़ी मंगनी चाहीदी है। दूजे पासे चन्नी ने भी अपनी गलती मान ली है तो उन्हें आख्या कि मैं तो भुलन हारिया, मैनू गलती दे विच मेरे कोलों पग दे उत्ते टोपी रखी गई सी। उन्होंने ट्विटर दे उत्ते बकायदा लिखती दे के श्री अकाल तख्त साहब तो माफ़ी मंगी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल तो जथेदार साहब श्री अकाल तख्त साहब नू शेयर किए एक पत्र राही लिखा है कि बीते दनी दास हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शुभकामनावां देन लई शिमले गए सन, उत्थे उन्हां वल्लों एक शाल ते हिमाचल की रवायती टोपी भेट की गई सी जो गलती नाल पग उत्ते रखी गई सी। एक वड्डी गलती हुई है जिसनों वो स्वीकार करते हैं, इस करके उन्होंने माफ़ करता जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जलंधर महाशिवरात्रि ते उन्होंने श्री देवी तलाब मंदिर दे विच मत्था टेकिया ते भगवान का आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री होरना मंदिरों के विच भी गए, उत्थे उन्होंने आईया हुई संगतां दे नाल गलबात भी की। तुहानूं दस दईए कि देश भर दे विच अज महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिस करके लोग मंदिरों के मत्था टेकन जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अज मत्था टेकन वास्ते गए सन, उन्होंने हाथ जोड़ के सारे लोगों को महाशिवरात्रि की विदाई भी दी है। तुहानूं दस दईए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जलंधर तो MP संतोख चौधरी का देहांत हो गया सी, इस तो बाद हुण जलंधर लोक सभा सीट खाली हो गई है। एक खाली सीट पर जल्दी ही जिमनी चोण होने वाली है। पहला जलंधर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं तो मुख्यमंत्री भगवंत मान के लगातार जलंधर दे विच कीते जा रहे दौरों भी इन जिमनी चोणों के नाल जोड़ के वेख्या जा रहा है।
दिल्ली दे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नू सीबीआई वालों समन मिलन तो बाद दिल्ली विच भारतीय जनता पार्टी अते आम आदमी पार्टी दे विचाले सियासत फिर तेज हो गई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस नू दिल्ली दे बच्चियां लई कीती जा रही चंगी सिख्या प्रणाली नू रोकन दी कोशिश करार दिता है। इस दे नाल ही भारतीय जनता पार्टी ने आख्या कि जे तुसी गलत नहीं कीता तां तुसी डरदे क्यों हो, जो भी सवाल पूछा जावे उसका जवाब दे दो, एक घटिया राजनीति ना करो। तुम दस दिए कि मनीष सिसोदिया ने अज ट्वीट किया है कि उन्होंने खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वालों पूरी जिहड़ी जोर लगाया जा रहा है। सीबीआई ने कल यानी कि एतवार को एक बार फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मेरे खिलाफ सीबीआई ते ईडी की पूरी ताकत की वरतों की है, उन्होंने मेरे घर छापा मारिया, बैंक के लाकर की तलाशी ली पर कितने भी मेरे विरुद्ध कुछ नहीं मिलिया। इस तो अगे उन्होंने यह भी लिखा, मैं दिल्ली के बच्चों लिए चंगी सिक्ख्या का प्रबंध किया, उसनू रुकना चाहते हैं, जांच पूरा सहयोग देने का वादा करदिया उन्होंने लिखा है कि मैं हमेशा जांच का सहयोग दिता है तो अगे भी करता रहांगा। दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्होंने आख्या जे तुसी कुछ कीता नहीं तो फिर डरते क्यों। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने कहा कि एक बार फिर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल हर बार की तरह विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, समझ नहीं आती जदों भी कोई समन आता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन्ना रौला क्यों पाउन लग जाते हैं, तुसी एक घटिया राजनीति क्यों करते हो, जे तुसी कुछ नहीं किया तो तुसी चिंता क्यों करते हो, हाँ जेकर तुसी कुछ किया है तो यह मोदी की सरकार है, तुहानू बख्शिया नहीं जाएगा, इसलिए कल जाओ जो भी सवाल पूछा गया है उसका जवाब दो, एक घटिया राजनीति करना बंद करो। अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा कि कल उनको सीबीआई ने बुलाया है, और एक बार फिर हर बार की तरह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी जब भी कोई समन आता है आम आदमी पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ता इतने हायतवा क्यों मचाते हैं, इतने घबराते क्यों हैं। एक समन ही तो आया है, सीबीआई ने कल मनीष सिसोदिया जी को कुछ चीज़ें आई होंगी उसके लिए बुलाया है, लेकिन आप अपना विक्टिम कार्ड खेलना, बेचारा पॉलिटिक्स करना, ये क्यों करते हो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो घबराते क्यों हो, हाँ अगर आपने कुछ किया है तो ये मोदी जी की सरकार है, छोड़ेगी नहीं आपको, इसलिए कल जाइए, जो भी अगर सवाल पूछे जाते हैं तो उसका जवाब दीजिए कि बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत करिएगा। और हाँ, आप कहते हो कि इस केस में दम नहीं है, विजय नायर तो याद होगा आपको, आपका अपना आदमी है, कोर्ट ने उसकी 2 या 3 बार बेल रिजेक्ट कर दी, अगर केस में कोई दम नहीं है तो अब तक विजय नायर बाहर क्यों नहीं आया, और सत्येंद्र जैन तो आप ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट बांटते थे, आज 7 महीने हो गए जेल में है, क्यों जेल में आपको पता है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामलों में, लेकिन कोर्ट बेल नहीं दे रहा है उसको। इसलिए मेरा कहना है कि बेचारा पॉलिटिक्स बंद करिए, कल जाइए, जो सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब दीजिए। पंजाब दे विच लगातार दिल्ली दे अधिकारियों दीयां नियुक्तियां कीतियां जा रही, एक बार फिर कांग्रेस इन्हां नियुक्तियों नूं लैके भड़क गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़ेंग ते विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ट्वीट किया है ते इस नियुक्ति नूं शर्मनाक करार दिता है। कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़ेंग ने ट्वीट करके लिखा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने असाना लई पंजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा की तरह ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के उत्ते गैर पंजाबी डॉक्टर सतबीर बेदी की नियुक्ति स्पष्ट कर दी है कि पंजाब दिल्ली तो चलाया जा रहा है। केजरीवाल ने सरकारी विभागों के जाल फैलाता है। दूजे पासे कांग्रेस के नेता विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी ट्वीट किया तो लिखा इंज लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार के वक्रे वक्रे डिपार्टमेंटा दे विच अपने जेड़े अधिकारी फिट करते हैं। इस बारी दिल्ली की IAS ते केजरीवाल की करीबी डॉक्टर सतबीर बेदी नू पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड का जेड़ा अध्यक्ष लाता गया। उन्होंने यह भी लिखा है कि इस तो पहला रेरा दे विच भी 2
दिल्ली के IAS नियुक्त किए गए हैं। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने करीबियों पंजाब के वखरे वखरे थावां ते सैट करन च लगे हुए ने। ये अधिकारी सैक्रटेरिएट भी बैठते हैं तो जेड़े पंजाब के सुरक्षा के मामले होंगे ने जो मीटिंगा होंदिया ने अधिकारी उत्थे भी जाते हैं ताकि अरविंद केजरीवाल नूं पंजाब की पूरी रिपोर्ट दी जा सके। अज लई बस इन्ना ही, कल तुहाडे नाल फिर रूबरू होवांगे। सानू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल, नमस्कार।